रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई नहीं हरा सकता आपको। एक हो या दो, जीत सिर्फ मेरी होगी। अब समझ में आया कि तुम अपनी माँ को माँ क्यों नहीं बुलाते, बिग डैडी क्यों बुलाते? जो सबकी बाप है, मैं मॉम कैसे बुला सकता? बच्चू, मॉम सबकी बाप ही होती है। आपने जो काम कहा था वो हो गया है बिग डैडी। मेरी मसीहा, बस यही बताना चाहता था। कितना गुस्सा है आप मेहमान। क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती ऐसे विजय, मैं नहीं रह सकती। कैसी जिंदगी है यार ये? भीख लगती है मुझे। मम्मा प्लीज मत जा। कम से कम जीकी के बारे में तो सोचो। मैं सब सोच लिया, सब सोच लिया। मुझे नहीं रहना है बस। मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तारा, यहाँ आप खाना खाने नहीं आएंगे? कभी कभी लगता है कि शायद गलती मुझसे ही होगी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा रिकी मुझसे इतना दूर चले जाएगा। ये कमरा मैंने इतने प्यार से सजाया था उसके लिए, पर अब वही यहां नहीं है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तेरी बीवी पर नहीं करता। और जब तक तू गलत के साथ है, मेरे लिए तू भी गलत है। रिकी, तू इस घर से बाहर चले जा। तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। How much I love you, bacha. I don't want to see you cry, okay? Ricky, तू इस घर से बाहर चले जा। मॉम दिल्ली रुकी तो कितना अच्छा लगता ना। यू नो, मॉम घर पे सबको हमारे बारे में बता रही होगी अभी। जब तक तुम अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको भी इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। Anyway, why are we talking about all of this? इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? आओ ना। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये स्प्राउट मेकर है। For your स्प्राउट सैलड्स। थैंक यू। बट ये कहाँ से? मैंने आज ही डीमैट अकाउंट खोला है एंड मुझे आज ही 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। पर पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी घड़ी बेच दी। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट। और सुनो, दिस इज नॉट वेयर वी आर स्टॉपिंग। मैं माले एक रोटी मेकर भी लेके आऊंगा एंड अ सैलेड टॉस। तुमने जो मेरे लिए किया ना, इट वॉज वेरी स्वीट। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर पता है क्या, हमें ना मनी थोड़ी नाइसली स्पेंड करनी थी।
हाँ बट मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू। नहीं होगी मुझे कोई परेशानी। अच्छा सुनो, भूख लगी है, खाना खा लें। हाँ चलो 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 चलो। सुनो मेरी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होती, मैं बचपन से ये चीज़ें मैनेज करती आ रही हूँ। नथिंग। वही तो पंग तुम्हारे लिए कुछ नया कर ही नहीं पा रहा। यार तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकते हो? हाँ लूजर वाली फीलिंग आती है तुम्हारे साथ। वो तो दुनिया के हर हस्बैंड को आती है, पर तुम शायद पहले जो एक्सेप्ट कर रहे हो। हेलो एवरीवन। हेलो मॉम। मॉम इज बैक। रिकी कैसा है? रिकी बहुत अच्छा है। चल हमारे साथ डिनर कर और सब बातें सुना मुझे। क्या क्या हुआ? नहीं बेबी मैं कुछ नहीं खा सकती, मैं यहाँ तक भूखी हुई हूँ। पलक ने मुझे इतना खाना खिलाया है, इतना खाना खिलाया है, फूड सैलेड सूप, फिर ग्रीन टी भी पीकर आ गई, बट अभी भी ऐसे लग रहा है। सैलेड ग्रीन टी खाना नहीं होता, नाश्ता भी नहीं होता। भाई मैंने तो पेट भर के खाना खाया। पलक खाना ही इतना अच्छा बनाती है। बेबी देखो पलक एक डॉक्टर है एंड शी इज लर्निंग टू बी सच अ गुड होममेकर। पता है बेबी ऋत्विक के पास्ट को जानती है पलक, और वो उसे इतने सेंसिटिवली इतनी जेंटली हैंडल करती है ना। हमारा बच्चा बहुत लकी है। ये सब दिखावा है जी। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर होते हैं, पता नहीं आपको? आप सुन रहे थे, मुझे लगा आपको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। पता है बेबी ऋत्विक और पलक का घर देख करके ना मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। जब विजय जी और मेरी शादी हुई थी तब हमारे अच्छे दिन थोड़ी चल रहे थे, लेकिन हम फिर भी साथ थे। कहते हैं ना जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वो रिश्ते हमेशा बहुत पक्के बनते हैं। जैसे मैं और विजय जी एक दूसरे के साथ थे, पलक और ऋत्विक बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे के साथ थे। चलिए आप लोग खाना खाइए। मैं बीपी की दवा खाइए। क्यों लूं? सारे तो दुश्मन भरे पड़े मेरे घर में, किसी को क्या फर्क पड़ता है? यूं या मरूं, इतनी टेंशन हो रही है मुझे को, देखो इतनी ब्लोटिंग हो गई, देखो की हालत है, किसी को क्या पड़ी है? लेकिन हां एनु ब्लोटिंग नहीं मोटापा कहंदे ने। मोटापा? चुप। आहो देखो सवेरे सवेरे उठो तो वॉक पे जाना रिज्यूम करो, ठीक है? इन नेगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी ना, उसके टॉक्सिन सारे पसीने के साथ बाहर निकल जाएंगे। मैं बाहर खा रहा हूँ। बेबी मेरे पांच नहीं छह बच्चे। पलक को टारगेट करना वाज अ क्लेवर मूव, पर एक बात की मुझे बहुत हैरानी कि नून्स की फैमिली में कोई ऐसा है जो इतने सालों से आपकी मदद कर रहा है। एक एक इवेंट की खबर है मुझे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल आपका फुल बॉडी चेकअप है, तैयार रहिएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, अगर डाउट है तो कल रेस लगा ले। मॉम प्लीज डोंट चैलेंज। कल सुबह पार्क में। सी यू देयर। ऋत्विक क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं नाइटमेयर मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, फिर से वही सब जो कभी मेरी रियलिटी था। फिर से अपनी मॉम को देखा मैंने। मम्मा प्लीज मत जाओ। मम्मा तू मेरी बात अच्छे से सुन बेटा, तू ना कभी प्यार मत करना। जब प्यार होता है ना तो एक्सपेक्टेशंस होती है, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो बहुत दुख होता है। तेरे पापा और मेरा रिश्ता ना हमेशा से गलत था, प्यार करके शादी तो कर ली लेकिन सपने तो सपने ही रह गए ना। बेटा तू प्रैक्टिकली रहना। हाँ प्यार नहीं करेगा ना तो दर्द भी नहीं होगा, तुम मेरी बात समझ रहे ना? याद रखना। मम्मा ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही हो। लिसन मैं तुम्हें कल वाला ट्रीटमेंट दूं, यू विल फील बेटर, काम योरसेल्फ, अपने पास्ट के लिए अपने प्रेजेंट को मत सफर होने दो।
No negative thoughts, okay? Close your eyes. सब कुछ भूल जाओ. Back straight. Take a deep breath. अच्छा लग रहा है? Feeling better? हाँ, but I think अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, right, अभी better लग रहा है। You calm down, सब ठीक हो जाएगा, okay? पता है, बहुत stressed हूँ मैं, nightmares and what not. You know, नीचे जो tissues है ना, उसको deep press करो. I think that's working. Stress निकल रहा है। अच्छा ये कल वाले नाइटमेयर्स हैं ना जो वापस आए? तुम और नीचे जाओ ना. यहाँ? मुझे लग रहा है सारा नाइटमेयर्स का स्ट्रेस वहीं से निकल रहा है. वैसे तो कल ट्रीट किया मैंने, तो आज तो नहीं आने चाहिए थे, बट आई थिंक तुम्हारे पे ना आई हैव अ थेरेपी, वो ट्राई करती. मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी तुम्हारी अब थेरेपी होगी ना, उसमें श्योर उठा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी हाथों की फिंगर्स की जो एनर्जीज है ना नोट्स की, वो मेरे फ्लैश तक जा नहीं रही है मसल्स तक. नो वट, तुम सारे कपड़े उतार दो, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा. सारे कपड़े? तो क्या वर्ड है, आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ हस्बैंड, इतना चलता है, इट्स माय प्रोफेशन. तुम कहते हो तो निकाल देता हूँ. आई एम सो सॉरी नाइटमेयर्स. अब नहीं आएंगे नाइटमेयर्स, आई प्रॉमिस. मैं आती हूँ. आर यू रेडी? पता है जब से मैंने कपड़े उतारे ना, मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती. तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तो तुम भी गाँव कल बताए. ठीक है? अरे तुम्हारा फिजियोथेरेपी का सेशन करूंगी तो. अरे पर तुम अभी डॉक्टर थोड़ी हो. आई मीन हो, पर ओहो, तुम वो वाली गेम खेल रही हो, ड्रेसिंग अप वाली. आई लाइक तो शुरू करें सेशन. करें फिजियोथेरेपी सेशन. राइट. रेडी? बहुत रेडी. पक्का रेडी? तुम ना बहुत टीज करती हो यार. ये क्या था? ये क्या है? ड्राई नीडल. ड्राई नीडल? ये सारी नीडल्स किस लिए? तुम्हारे लिए. तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं ना, ये सब ठीक हो जाएंगे. सब तुम्हारी नर्व्स में जाएंगे. एक एक बेबी ड्राइव इट हॉट कूल. तो मैं खुद ही हो गया हूँ. ऐसे दर्द देने से कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू. ट्रस्ट मी,
तुम्हारी नाइटमेयर्स चले जाएंगे। मैं डॉक्टर हूँ ना, आई नो बेटर। माय नाइटमेयर्स नो, गए गए चले गए, इसको दूर करो बच्ची यार। पता क्या कर रही हो, भूल गए कितनी स्मार्ट बीवी मिले थे। बिल्कुल नहीं भूला हूँ, मुझे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे। अगर तुम ऐसे देखते ना तो आसानी से मैनिपुलेट हो। By the way, एक और रास्ता है मेरे पास, इससे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। कौन सी? अगर मैं तुम्हें मम्मी हो तो बेबे को तो देखो कैसे कूद फांद रही है, पैर में मोच आ गई ना तो बैठी रहेगी 6 महीने हॉस्पिटल में। हाँ तो अपनी माँ से ही कुछ सीख लो, चाहे उनके पाँव में मोच आ जाए उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। और अपने आप को देख लो। अपने आप को क्या देखूं, पूरे घर में किसी को मेरी फिक्र है? सबको बस रिकी की चिंता है, और उसको किसकी फिक्र है? तुम्हारी। बस मेरे साथ तो झगड़ा करने को आया था वो। एक मिनट, आपने खुद को देखा है? क्या हाल बनाया आपने? आपका बीपी चढ़ रहा है, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि हम सबसे ज्यादा आप रिकी को मिस कर रहे हैं। पता है एक बार को अगर मैं उसके साथ सौतेला बिहेव कर लूँ ना, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर आप क्यों सौतेला बिहेव कर रहे हो उसके साथ? कभी भी अपने आप को रिकी की सौतेली माँ मत कहना। जितना प्यार तुमने दिया है ना रिकी को, कैसे लोग हैं? मैं देखता हूँ जाके। रहने दो, कौन इस तरह दो लोगों के बीच आ जाता है? आई एम श्योर आपके एयरप्लेक्स बाहर थे और आपने उनकी सारी बातें सुनी। अभी तक अपने बेटे ऋत्विक को लेके ऑब्सेस्ड है। ऐसे पागलों की तरह तो सिर्फ एक ही इंसान भागता था। अरे गीता आराम से चलो, कितना तेज दौड़ती हो तूफान एक्सप्रेस के जैसे। अरे जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती है, आप आगे ना जाओ ना तो कोई और निकल जाएगा। तो बीच में अरे संभाल के, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ऐसी होता है, लाइन खत्म करने का इंतजार करेंगे ना सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम भैया, भैया 2 किलो चीनी दे दो ना जल्दी से। बहन जी लाइन में आइए। भैया बहुत जल्दी है, सच में बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज थोड़ा सा दे। लाइए राशन कार्ड दीजिए। थैंक यू। या तो आती जाती गाड़ी को सलाम करो या फिर खुद की गाड़ी। जिंदगी में दो ही ऑप्शन है। बहुत अजीब होते हैं ऐसे लोग। I really hope कि एक दिन ऐसा आए जब आपका बीता कल आपको बेचैन न कर पाए। मैं सोच रहा था पलक के साथ एक डिनर कैसा रहेगा। Not bad. Dad, आपको विक्रांत रही जैसे मिलना है। हमारी तरफ से इस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी हम कर चुके हैं, अब अगर हम बैकआउट करते हैं आई डोंट थिंक इट्स गोना इफेक्ट आवर कंपनीज इमेज और शेयर्स। तुम फिक्र मत करो, मैं विक्रांत से मिलूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। सो आज फर्स्ट डे, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। जो मेरा प्रमोशन हुआ है, I mean, I'm not able to understand. मैंने तो पहले ही कहा था, जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होगी आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मैम के लिए कॉफी। जी विक्रांत रहेजा का कैबिन कहाँ होगा? मिस्टर नून, वेलकम सर, आप मेरे साथ आइए।
विक्रांत के ऑफिस की, प्लीज कम। तो बेसिकली आप हमारे सीनियर साइंटिस्ट को असिस्ट करेंगे और उसके बाद भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे पेशेंट पर उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो कैन आई? श्योर। एक मिनट पलक जी, मेरे घर पे एक पार्टी, कुछ खास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। पर सर, आई डोंट नो एनीवन, आई हार्डली नो यू। डोंट गेट मी रॉन्ग पलक, आप इसलिए मेरे लिए खास हैं क्योंकि आप मेरे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आए। ओके सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। नहीं, किसी को साथ में मतलब? पर सर, रात में पार्टी में अकेले? ऐसे तुम कभी पार्टी में नहीं? सर मैं जाती हूँ, पर किसी फ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ? तुम कौन से टाइम में जी रही हो पलक? कुछ खास लोग आ रहे हैं, ऑफिस टाइप का सीन है। प्लीज कम। मिसेस पलक नून, और शुड आई से मिसेस ऋतिक नून? प्लीज आप अपने हस्बैंड के बिना मेरी पार्टी में आ जाइए। आपको प्रमोशन मिला हमारे साथ, आई मीन के साथ सेलिब्रेट कर। तो आज रात मेरे घर पे अकेले आना, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी फन। ऑफ कोर्स आई विल कम विदाउट माय हस्बैंड, आई एम श्योर इट विल बी फन। अपनी कॉफी लेते हुए जाना, आज तुम्हारे लिए बनवाई स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो, 2 स्पून्स ऑफ शुगर। सो स्वीट ऑफ यू, आपको तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है। यस, अब खास हूं ना इसलिए। तो रात को मिलते हैं विदाउट माय हस्बैंड। परफेक्ट। एक अर्जेंट कॉल आ गया था, आप विक्रांत से मिले? आप आइए, आइए प्लीज, मैं लेके सर, प्लीज आइए। कौन? लूजर। हेलो सेतु, सेतु ये बहुत बहुत ही बड़ा कमीना निकला यार, तुझे पता है मुझे पार्टी में बुला रहा है, वो भी अकेले रात को। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मुझे कुछ गड़बड़ लगी है, तुझसे मिलना है। ऑलराइट, कॉफी में मिलते हैं। तो नून बायोटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पलक शर्मा की वजह से? सर इट्स एन एथिकल थिंग, आपके बेटे ने मेरे एम्प्लॉय के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया, मैं सोच रहा हूँ आपकी कंपनी को नोटिस भेजना फॉर एम्प्लॉय अब्यूज, पर मेरे बिग डैडी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिग डैडी किसी से नहीं मिलते, आप मुझसे बात कीजिए। इट्स नाइस कि आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचते हैं, उनके बारे में सब कुछ पता होता है आपको, कमेंडेबल। इट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप पलक के बारे में बात कर रहे हैं तो शी इज इम्पोर्टेंट टू मी। और सर आपको भी अपने एम्प्लॉयज का कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, वैसे पलक तो आपसे रिलेटेड है। मैं उस पार्टी में इसलिए जा रही हूं ताकि मुझे पता लगे कि उसने मुझे प्रमोशन दिया क्यों है। हाँ, लेकिन अकेले जाएगी क्या? हाँ, अगर वो मेरे क्लोज आया ना तो मेरे पास ये, अगर उसका इंटेंशन मुझे जरा भी गलत लगा ना तो ये मैं उसके मुंह पे मार दूंगी। देखो, इट वाज देयर। क्या किया तुमने?
अवधि। एनीवे प्लान क्या? प्लान ये कि मैं उसका फुल ऑन केस लेने वाली हूँ। मैं ना उसे एक्सपोज कर दूंगी। पहले तुम लड़की को जॉब देते हो, फिर प्रमोशन देते हो, फिर घर पे बुलाते हो वो भी अकेले। मैं बता रही हूँ, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी, सबके सामने बेइज्जत करूंगी। आई एम टेलिंग यू, मैं ये ले। और मैं इसीलिए रितिक को नहीं बता रही यार, तो स्ट्रेस हो जाएगा। अगर कुछ हुआ नहीं तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। हाँ यार ओके, मत बताना। तुझे पता है मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट लोगों से पूछा ऑफिस में, किसी को पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया है। कैसे कर सकता है वो ये? कमीना किस्म, मुझे नहीं ना टिशू, कमीना किस्म का लग रहा है यार ये बंदा तो। हाँ ऐसे लोगों को तो ना एक्सपोज करके रखना चाहिए, तू तो बच जाएगी, लेकिन वो किसी के साथ कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली, वी शुड कैच हिम रेड हैंडेड। मेरा जर्नलिस्ट बनना कब काम आएगा यार? आई मीन तू जब भी बोलेगी मैं अपने कैमरा टीम को लेकर वहां पे पहुंच जाऊँ सही टाइम पे। और एक चीज, तेरे पास कोई भी कुर्ता है जिसमें बटन है? हाँ डन बीबी, मैं तेरे कुर्ते में बटन कैम फिट कर दूंगी। एंड ही विल बी कॉट रेड हैंडेड, आई एम टेलिंग यू। यस थैंक यू। मैंने अपनी आंखों से देखा, विक्रांत पलक से कह रहा था कि आज रात को पार्टी में अकेले आ जाना, अपने पति को मत लाना। इट वॉज डिस्गस्टिंग, शी सेड ओके। ये लड़की खेल रही है मेरे निकी के साथ। दैट शायद इसीलिए पलक को इतनी जल्दी उस कंपनी में प्रमोशन भी मिली, और उस विक्रांत ने तो हमारे साथ बिजनेस करने से इनकार कर दिया पलक की वजह से, एक एम्प्लॉय की वजह से। डैड मुझे लगता है मुझे विक्रांत के घर जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर ये लोग हैं कौन और पलक से उन्हें क्या मिलना है अदर देन। पलक। हाँ मैंने ना तुम्हारे लिए एक्यूप्रेशर सीख लिया। अरे छोड़, अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं टेंशन है या स्ट्रेस है तो मैं प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करके रिलीव करा सकता हूँ। हाँ से सीखा, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ अगर तुम मेरे लिए फिजियोथेरेपी कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ सही सही जगहों पर प्रेशर अप्लाई करके तुम्हें स्ट्रेस फील कर सकती। हाँ पर मुझे तो ऑफिस जाना ना काम से, तो तुमने इतनी मेहनत की है तो एक काम करो, तुम चांदनी की हेल्प कर दो। चांदनी? हाँ चांदनी की हेल्प कर। चांदनी? हाँ तुम चाहती हो कि मैं चांदनी को एक्यूप्रेशर दूँ? अलग चांदनी को एक्यूप्रेशर दूँ? तुम चाहती हो कि मैं चांदनी को एक्यूप्रेशर दूँ? ऐसे क्यों, क्या प्रॉब्लम है यार? तुम बिल्कुल पोजेसिव नहीं हो यार मुझे लेके। यू आर ओके विद मी टचिंग अनदर गर्ल? तुम करोगे बताओ। तीना में यार कर लूंगा, अब सीखा है नॉलेज को कहीं तो अप्लाई करनी है, फिर चांदनी हो टीना हो ऋषि हो आजकल क्या फर्क पड़ता है। चांदनी ना मेरी फ्रेंड की डॉग का नाम है, बुढ़ी हो गई है उसको हेल्प चाहिए। मेरे पास जॉब नहीं है तो मतलब मैं डॉग्स को जाके एक्यूप्रेशर दूँ? अब सीखा है तो हेल्प कर दूँ ना। और ये थोड़ा फैंसी नहीं हो गया चांदनी फॉर अ डॉग? तो क्या तुम्हारी दोस्त का नाम टॉमी है? चॉकलेट हो रहा है। बाय। क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई बटन वाला कुर्ता पहनने से कौन करता है? I'm so sorry यार, इतना नाराज क्यों हो रही हो? बिना बटन के कुर्ता पहन लो। मैंने जानबूझ के नहीं फाड़ा ये। मैं चेंज करता हूँ। हाँ से तू पहले जल्दी कर यार, मैं टाइम से पहुंचना है उसे पकड़ने के लिए। I know but यहाँ मेरा कुर्ता फट गया है और मेरे पास और कोई कुर्ता भी नहीं है यहाँ पे। बटन वाला कुर्ता कहाँ से लेके आऊँ? ऐसे सिलना पड़ेगा। अलग सिलने का टाइम नहीं, तो कुछ भी पहन के आ जा तू। Just do something. Okay, मैं कुछ देखती हूँ। Bye. I think इससे काम चल जाएगा। जा रही हूँ। एक मिनट। इतनी चॉइसेस?
प्रतीक मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। डॉक्टर पलक, अभी मेरे साथ भी डिनर पे जाने के लिए इतनी तैयारी कर लिया करो। प्रतीक बहुत लेट हो रहा है, आपने बात करते हैं। एक मिनट, तुम क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग ले जा रहे हो, इतनी क्यूट बन के? प्लीज ना, बाद में बात करते हैं, बाय। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्लाइंट कोई यंगस्टर हो तो फिसल जाएगा यार। बहुत लेट हो रहा है यार, प्लीज। इतना ड्रेसअप हो के आज उस विक्रांत का सच सामने आ जाएगा। हाँ यार, इट्स इम्पोर्टेंट। मुझे जाके चेक करना है कि आखिर ये पलक और विक्रांत का माजरा क्या है। आज पलक को अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। एक मिनट, डैड आइए ना। पलक कहाँ है? विकी नजर नहीं आ रही। काम से बाहर गए। इस वक्त उसके क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है, उसका बॉस और पूरी टीम उसी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी पार्टी में गई। नहीं डैड, काम पे गई है। कितना बुला है तुर्की? मुझे क्या लगता है तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतने जल्दी कैसे मिला? She's having an affair with her boss. वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। तुझे क्या लगता है उसे ये प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिला? ये प्रमोशन इसलिए मिला because she's pleasing him. Now you don't even make sense, Dad. Why don't you believe? क्यों तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मैंने अपने कानों से सुना है वो किस तरह हंस हंस के अपने बॉस से बात कर रही थी। उसने उसे साफ साफ कहा कि आज रात मेरे घर पे पार्टी के लिए आना, अपने पति को मत लेकर आना। और उसने कहा हाँ, और इस वक्त वो उसके साथ उसके घर पर पार्टी मना रही है। देखा आपने पलक को? मिले आप उससे? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वही थी। आई एम 100% श्योर वो पलक नहीं, वो वही थी। नहीं डर, यू नो व्हाट, इस प्रोजेक्ट के लिए आर्केक फार्मा का सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ मैं, और पलक भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो तुझे बर्बाद करेगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पलक मुझे बर्बाद करेगी? ओके, लेट्स हैव अ टॉक हियर, ठीक है? मुझे समझाइए कि पलक मुझे कैसे बर्बाद करेगी। आइए, लेट्स सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, father and son conversation. मेरी समझ में नहीं आ रहा पुत्र, तू अभी उस लड़की को बिलीव कर रहा है? तुझे अपने बाप पर भरोसा क्यों नहीं है रिकी? मां पे भरोसा है, उनसे मिलिए पलक, उनसे पूछ लो, एक बार पलक से मिल लो। मैं उससे मिल भी लेता रिकी, ममता जी ने बताया मुझे कि तुझे मेरे बीपी के बारे में कितनी चिंता है, पर मुझे तेरे बारे में चिंता है। तू मेरे बारे में सोच रहा है, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तेरा क्या होगा? तुझे क्या लगता है मेरे बच्चे कि मेरा बीपी इसलिए हाई है कि तू खुश है? तू मुझसे दूर जा रहा है कि तू किसी और से मुझसे ज्यादा प्यार करता है? नहीं, मेरा बीपी इसलिए हाई है क्योंकि मुझे चिंता है इस बात की कि ये लड़की तेरा दिल तोड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एक औरत ने मेरा दिल तोड़ा। देखिए आप लकी, मुझे ममता जी मिल गई। शायद तू इतना लकी ना हो, शायद तुझे ये सेकंड चांस ना मिले। तू समझता क्यों नहीं है मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं? किससे बचा रहे हैं डैड? पलक से। समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो काम से बाहर गई, वो काम पे है, वो किसी पार्टी में होती, मुझे पता होता डैड। रियली? तुझे क्या लगता है मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहता? मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? ठीक है, अगर इस वक्त पलक अपने बॉस के घर पे नहीं हुई अकेले के साथ, मैं हार मानूंगा
और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने बहू के रूप में। तेरी बीवी बहुत चालाक है, वो जानती है कि एक ना एक दिन तेरा बाप इमोशनल होकर तुझे वापस ले लेगा और फिर वो तेरे पैसों पे ऐश करेगी। तब तक वो अपने बॉस के साथ ऐश कर रही है। That's enough, Dad. Enough. आप मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। You know what, जब आप दरवाजे पे खड़े थे ना, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया, आप मुझे लेने आए हैं। बट यू आर हेल बेंट ऑन ह्यूमिलेटिंग माई वाइफ। मुझे और कुछ नहीं कहना है ना, तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। पलक, ये रोहन है मेरा कैमरामैन। रोहन और मैं पूरा टाइम विक्रांत के घर के बाहर रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वी बोथ विल कम इनसाइड, यू डोंट वरी। विक्रांत का घर नेक्स्ट स्ट्रीट में है। आर यू रेडी? तूने अपना बटन कैम वगैरह सब चेक कर लिया ना? हाँ, देखिए मैंने यहाँ लगाया है। परफेक्ट। उस बटन कैम से तू जो कुछ भी देखेगी ना उधर, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे टैब पर। मैं वहाँ सब देख पाऊंगी, सब सुन पाऊंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलराइट? और हाँ, ये ईयरपीस, इसको अपने कान में लगा लेना। इससे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रहेगा। जो कुछ भी तू कहेगी और जो कुछ भी मैं कहूंगी, वी विल बी एबल टू लिसन टू ईच अदर। ग्रेट। जी मैम, कहाँ जाना है? पार्टी में इनविटेशन है। जी देख सेतु, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पार्टी होती तो लोग होते, गाड़ियां होती, कुछ शोर होता, राइट? बट यहाँ कुछ नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है। इस विक्रांत को ना, मैं उसको मैं सबक सिखाऊंगी। आई एक्सपोज हिम। ऑल द बेस्ट। हाँ, एंड डोंट वरी, वी विल बी हियर। चल बाय। हम लोग यहाँ पार्किंग में। तुझे दिख रहा है सब कुछ? हाँ। पलक भी केयरफुल ना। देख, उसने कहा था कि यहाँ पार्टी है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पार्टी थी ना, मुझे पार्टी के लिए बुलाया गया था। पार्टी की स्पेशल गेस्ट केवल आप ही हैं। माय गॉड, दिस डज नॉट लुक राइट टू मी पलक। पार्टी तो ऐसी नहीं होती है ना, पार्टी में तो लोग होते हैं। सर की पार्टी ऐसी होती है। कमीना है यार वो। आप आराम से बैठिए, सर भी आते होंगे। जी पलक, तेरे इस बॉस ने ना कई लड़कियों को ऐसे प्रमोशन के नाम पे फंसाया होगा, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आई एम श्योर सेतु, ये लड़ाई ना हर उस लड़की के लिए जिसको इस लड़के ने फंसाया है। आई एक्सपोज दिस गाय। सर आप कौन? मुझसे पूछ रहे हो? जब विक्रांत को पता चलेगा ना कि ऐसा सवाल तुमने मुझसे पूछा है, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। गेट खोलो। सॉरी सर। पलक विक्रांत के घर पार्टी के लिए आई, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कोई माहौल लग नहीं रहा है। किसी और की गाड़ी भी नहीं है। That is clear. पलक का विक्रांत के साथ अफेयर है। ये कौन आया? मेरी हॉर्न को क्या हो गया? What's wrong with it? सेतु, are you okay? Oh God! उनसे जाके कहो अपनी गाड़ी का हॉर्न बंद कर। भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई ना, तो हम तो फंस जाएंगे। हम जी सर। जाओ। और तुम बंद करो इसे। हम बस जा रहे हैं। जस्ट लीव इट। सेतु, I don't know what to do with this. तू ठीक है? हाँ यार,
I'm fine. मैं बस बंगले से बाहर आ गई हूँ because ये Hornberg problem दे रहा था मुझे. Suddenly बजने लग गया यार. But don't worry, situation is under control. कोई problem नहीं, किसी को कोई भी शक नहीं हुआ, all right? सेतु तू आसपास ही रहना. मुझे नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है. तू तुझे जैसे कुछ लगे ना तू अंदर आ जाना और शूट कर लेना, ओके? मैं तुझे सिग्नल दे दूंगी. सिग्नल चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम रेंज से बाहर हो गए. ओह माय गॉड. सुन पलक, सिग्नल नहीं आ रहा है, हम रेंज से बाहर हैं. आई थिंक मैं घर से बाहर आ गई हूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार. मैं कुछ करती हूँ, मुझे किसी भी तरह तेरे बंगलों के अंदर आना पड़ेगा. यू डोंट वरी, ओके? एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, यू ऑल्सो बी केयरफुल. ओके सर, अगर आप यहाँ वेट करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे. डोंट वरी, विक्रांत को मैं जानता हूँ. कह दूंगा कि किसी काम के सिलसिले से उसे मिलने आया था. हेलो परक. हाय. प्लीज कम, हैव अ सीट. मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी. अनिया, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही. जी, वो तो देखा मैंने. यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ मुझे बुलाया गया है. सेतु तू जल्दी आ. हाँ पलक, मैं बाहर हूँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ. आई थिंक वी हैव टू गो. कैमरा रेडी? रेडी. स्टिंग ऑपरेशन इज ऑन. ओके, लेट्स गो. फाइल लो. सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था. तो क्या कह रहे थे आप? मुझे यहाँ क्यों बुलाया अकेले? या घर? जो बातें ऑफिस में नहीं हो सकती वो घर पे ही हो सकती है ना. एक्चुअली मुझे ये कहना था कि यू राइट, मैंने आपको प्रमोशन सिर्फ इसलिए दिया है. कुछ पर्सनल रीजंस हैं. क्या मतलब? मैं समझी नहीं. कोई है जो आपको बहुत पसंद करने लगा है. रियली? लाइक कौन है वो? आपके बॉस. I mean, आप उस शख्स को अपना बॉस भी कह सकते हैं. जी? यानी कि? यानी कि मेरी माँ. वैसे तो मैं उन्हें बिग डैडी कहता हूँ क्योंकि वो सबकी बाप है, पर वो कहती हैं कि माँ बनने के लिए सबका बाप बनना जरूरी है. And there she is. आपके गट्स बहुत अच्छे लगे थे, स्पेशली जैसे आपने नून से लड़ाई की थी मेडिसिन लॉन्च के लिए. उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया था, तभी मॉम ने कहा यू विल बी द वन, यू विल बी परफेक्ट. जो गलत है वो गलत है. शी इज रियली इंप्रेस्ड विद यू. पर ये प्रमोशन भी उन्होंने ही दिया है आपको. हम आपसे अकेले में मिलना चाहती थी. हम आपके हस्बैंड को भी ज़रूर बुलाते, पर अनफॉर्चुनेटली बिग डैडी ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं है. कंपनी चलाती हैं पर हमेशा पीछे ही रहती हैं. बहुत कम औरतें हैं जिनमें ये साहस होता है, वरना आम तौर पे तो लोग पैसे के दबाव में टूट जाते हैं. पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पर ईमानदारी और लॉयल्टी से ज़्यादा नहीं. शायद मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ या नहीं भी, पर आई एडमायर यू. इट्स गुड टू हैव यू इन द कंपनी. थैंक्स. मुझे एक कॉल करना था. प्लीज़.
रुकिए, आप कौन? वो एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड गई है अंदर मीटिंग के लिए, तो ये फाइल भूल गई है, उसको अंदर देने जाना। एक आप बोल, क्या हुआ? वे कमिंग? नो नो, रुक जा। क्यों? वो तो मुझे किसी औरत से मिला रहा है। औरत से? मतलब अपनी माँ से। अरे यार, उसको बोल तू शादीशुदा है। नहीं डियर, शादी के लिए नहीं, उनकी मॉम ना पब्लिक के लिए कहीं बाहर नहीं जाती, और वो मुझसे मिलना चाहती थी। मेरे कद से बहुत इम्प्रेस्ड यार, इसलिए मुझे प्रमोशन मिला है। हम क्या सोच रहे थे, और तो कुछ और ही हो रहा है। थैंक गॉड पलक, आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक यू आर सेफ नाउ, राइट? हाँ। अच्छा सुन, मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बुरे लोग नहीं है ये, तो मुझे यहाँ टाइम लग जाएगा। तू घर चली जा, मैं कैब से आ जाऊँगी, डोंट वरी। ओके ओके फाइन। वो एक्चुअली घर पे एक कॉल करना। Yeah, yeah, that's perfectly all right. बैठो ना। I know it's really late for dinner, but I'd really like it if you ate with us. Shall we? अलग फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ होगी वो? मुझे लगता है मुझे अंदर जाना ही होगा। It was great having you here. मेरी कार आपको ड्रॉप कर देगी। I believe आपकी गाड़ी को जाना पर। Yeah. Thank you so much. See you in the office. Thank Good you. Night. Good night. तुम गाड़ी निकालो। जी सर। हेलो। देखा आपने डैड? आपकी बहू रात के 2 बजे किसी दूसरे आदमी के साथ, सिर्फ इसीलिए कि अब रिक्की के पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ नहीं। पर मेरे ख्याल से आप ये फोटोग्राफ रिक्की को भेज दीजिए, उसे ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। हेलो रिक्की भैया, पापा ने भेजा है आपके लिए। तुम क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग ले जा, इतनी क्यूट बनके। प्लीज ना, बाद में बात करते हैं, बाय। तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतनी जल्दी कैसे मिला? शी इज हैविंग एन अफेयर विद हर बॉस। वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। ऋत्विक, क्या हुआ? क्या हुआ? भरोसा तोड़ दिया मेरा। You broke my trust. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें बताया था ना मैंने, मैं ऑफिस के काम के लिए गई थी। ऑफिस के काम के लिए गई थी? काम कर रही थी तुम? ऑफिस के काम के लिए गई थी? मैं जानता हूं तुम कहां गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी और क्या कर रही थी तुम, मुझे सब मालूम है। Let me explain this to you. Ritvik, मैंने कहा था
मैंने कहा था मेरा भरोसा मत तोड़, मैंने कहा था मेरा भरोसा मत तोड़। I swear I... मेरा भरोसा तोड़ा तुमने? I swear. मुझे जब तुम अंदर अंदर अपने बॉस के लिए तैयार हो रही थी ना, अलग अलग कपड़े चेक कर रही थी, ये पहन रही थी, मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि तुम किस लिए और कहां जा रही हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगता है ये सब करने हमारी शादी को एक हफ्ता हुआ है, लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? वही तो मैं वो हूँ, तुम्हारी शादी को एक हफ्ता तक नहीं हुआ। Not even one week. Wanna see? Wanna see? बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी कि पार्टी करने गई थी? किसके साथ थी तुम? हाँ, अपने बॉस के साथ थी ना? वो स्पाइंग ऑन मी, ये ट्रस्ट करते हो तुम मेरे पे? हाँ, I can't even do anything to you. Guys, तुम्हारा पीडीए खत्म हो गया तो मैं जाऊं। ऋत्विक अब तो जाने दे यार, रोहित वेट कर रहा है मेरा। सॉरी। हेलो, क्या हो रहा है? तुम्हारे जाने के बाद डांट आए थे, इसलिए भी मैंने जितनी नफरत उनके दिल में है तुम्हारे लिए, उनके साथ तक जा सकते हैं तो उन्हें गलत साबित करने के लिए, वो देख के रहा नहीं गया मुझसे। आई वाज ड्रिंकिंग लाइक अ फिश। अब है सेतु आई। अरे दरवाजा खुला हुआ है, वो पी रहा है। व्हाट हैपेंड? पूछ मत यार। यहाँ? अरे यार रोहित, पेपर्स भूल गया था गाड़ी के यहाँ पे। आई हैव टू जस्ट कम एंड कलेक्ट दैट, इसीलिए गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। क्या हो गया? बीवी से एक पल दूर नहीं रहा जा रहा क्या? एक तो तुम पागल, एक वो पागल। मैंने पागल लड़की से शादी की है? ही इज क्रेजी। आज तुम्हारी बीवी अपने बॉस पे स्टिंग ऑपरेशन करने गई है। मैं भी वहीं से आ रही हूँ, आई वाज राइट देयर। एक्चुअली शी वांटेड टू कैच यू रेड हैंडेड। उसके बॉस ने उसको डिनर पे बुलाया था घर पे अकेले, तो हमें लगा यार कुछ तो झोल है। पहले उसको प्रमोशन दे रहा है, उसके बाद उसे घर पे बुला रहा है अकेले डिनर पे, सो शी थॉट कुछ गड़बड़ है। शी वांटेड टू कैच हिम रेड हैंडेड और उसको एक्सपोज करना चाहती थी पूरी दुनिया के सामने। एंड दैट्स व्हाट ही वेंट टू डू। पर वहाँ पर जब गए तो कुछ और ही हुआ यार। उसके बॉस ने हलो को अपनी मॉम से मिलाया। अपेरेंटली हिज मॉम वांटेड टू मीट हर। इनफैक्ट जो प्रमोशन मिली है ना पलक को, वो उन्होंने ही दिलवाई है। उनको उसकी क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे लगे। सो तो तुम दोनों मिलके पलक के बॉस पे? हाँ, दैट्स राइट। पलक ने कहा कि विक्रांत को लगता है कि वो अपने हस्बैंड पे चीट करेगी, जो कभी नहीं होगा, तो वो उसे सबक सिखाने के लिए गई थी। इनफैक्ट पलक आई रही होगी, बताएगी तुम्हें सब कुछ। आई विश माय डैड को ये सब बता पाता। अरे भाभी, मैंने तुम पे कभी भी शक नहीं किया। यू मैड? कभी भी नहीं करूंगा। आज से तू पलक, जब मैंने डैड को दरवाजे पे खड़े होकर देखा तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि यू नो मुझे तुम्हें डैड लेने आए हैं। बट व्हेन आई सॉ कि उनके दिल में इतनी नफरत है, इतना कुछ गर्म कर रखा है, आई गॉट अपसेट। मैंने पी ली, दैट्स व्हाई। पर ये सब ड्रामा? सेतु गाड़िया। अच्छा, इट वाज अ प्रैंक। It was a prank. तुम भी तो रात को ऐसे डेंजरस
स्टिंग ऑपरेशंस करती हो तो मैंने भी कर दिया यार, मुझे बता के क्यों नहीं गई थी? ओके गाइस, रोहित मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलती हूं। अलग थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई मुझे लगता है। तुम आज हॉल में सो रहे हो। पलक पलक जोक था यार, कहाँ जा रहे हो? कुछ चीजें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती, और अब ये मत बोलना कि तुम मुझे लेके पोजेसिव। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पोजेसिव। पकड़ो इसे। जो गन फैलाया ना तुमने, इसे साफ करना। घर में कांच का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। डैड, रिकी का फोन आया? नहीं। इट्स फाइन, शायद वो भी शॉक में होगा, लेकिन अगर इस हादसे के बाद भी उसे अकल नहीं आई है तो मैंने कुछ सोचा है। आई नो व्हाट टू डू। चेक कर लो, मैंने सब ठीक कर दिया, कोई कांच का टुकड़ा नहीं हुआ, ये थोड़ा सा रह गया बस, कर दूंगा। ड्रिंक करना हर प्रॉब्लम का सलूशन है? नहीं। मैं अपने डैड से कभी अलग नहीं रहा हूं, नेवर। डैड, जब से पैदा हुआ हूँ डैड, इट्स बीन अराउंड, और अब वो मुझे हेट करते हैं। आई डोंट नो टू डू यार, मुझे बहुत बहुत दर्द होता है यार। हर्ट्स मी माय डैड। वो तुम्हें हेट नहीं करते ऋत्विक। करते हैं। नहीं करते, उन्हें फिक्र है तुम्हारी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। You know what? मुझे उनसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझने के बाद ना आई कैन अंडरस्टैंड हिम। तुम्हारी मॉम तुम्हारी लाइफ से गई, तुम पे असर हुआ ना, उन पे भी असर हुआ है। तुम अपना गम कह देते हो, उनका जो गम है ना वो उनके दिल में भरा हुआ है, वो नहीं कहते। बहुत पोसेसिव है तुम्हें लेके, और इसलिए नहीं कर पाते मुझे ट्रस्ट। उनकी गलती नहीं है, तुम्हें समझना होगा उन्हें। तुम्हें बहुत टाइम लगा था ना मुझे ट्रस्ट करने में, वो सब तुम्हारी पास्ट की वजह से, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी हमारे बीच, तो उन्हें भी लगेगा ना टाइम। आई विल वेट, हमें वेट करना होगा, पर हम करेंगे ट्राई, राइट? वो समझ जाएंगे। तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो यार। हमारी एक ही बेटी है मंजीत, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। अरे भाई वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है अब। देखो मंजीत, पलक की नई जिंदगी शुरू हुई है, और किन मुश्किलों में हुई है तुम जानती हो, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आप लोगों ने प्रीनप का बहुत तमाशा बनाया था ना, ये देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। रात को वो अपने बॉस के घर जाती है, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं ना कि क्या कर रही होगी वो। ये सब क्या है? आपकी बेटी का अफेयर चल रहा है अपने बॉस के साथ। फिर शुरू हो गए तुम्हारे रिस्क क्लास का। तुम्हारे फैमिली की तरह मैंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। मुझे सच दिखाई देता है, मैं अपनी बेटी से गुस्सा जरूर हूँ, लेकिन अपनी परवरिश पर मुझे पूरा यकीन है। वो अपने पति को धोखा कभी नहीं दे सकती। ये फोटो दिखाकर तुम्हें लगता है तुम मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भड़का लोगी? अरे इसमें तो चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे फैमिली को चैलेंज करती हूँ, जो करना है कर लो, पूरा जोर लगा दो ये रिश्ता तोड़ने में, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऋत्विक तोड़ना चाहे ना तो भी नहीं टूट सकता,
और मेरी बेटी में इतनी ताकत है कि जब तक खुद वो रिश्ते को छोड़ नहीं देती, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। और मेरी बेटी को तोड़ना तुम लोगों के बस में नहीं। बाहर कूड़े का डिब्बा रखा है, उसमें फेंक देना। ये बात भी ना मेरी मंजीत है, माँ आखिर माँ ही होती है। सॉरी मम्मी, मैं मारूं दोनों को, लगाऊं भी भागो वहां से। मैं भी मार रही, आप भी मारो। क्या कर ये गो, सब बेशरम बच्चे हमारे ना। सुबह ही ग्राउंडेड दे, देखो कोई फर्क पड़े। यार तुम्हें क्या हो गया है, बस करो। मैंने गल दसो, तुम्हें रिक्की की फिक्र हैगी? हां जी मुझे रिक्की की फिक्र है, लेकिन उस वजह से नहीं है जिस वजह से आपको है। यू नो जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट कांट टॉक टू यू एनीमोर। आपको जो भी बोलो उसका उल्टा ही जवाब मिलता है मुझे, आपसे बात ही नहीं कर सकता मैं। यू नो विजय जी, जस्ट बिकॉज आप मेरे पति हैं इसका मतलब नहीं कि मैं आपकी हर बात में साथ दे दूँ। यू माय हस्बैंड, योर पति परमेश्वर, सो एवरीथिंग गोज। आई नो द मैटर इज वेरी सेंसिटिव एंड थिंग्स विल टेक टाइम टू सेटल डाउन, और मैं वक्त दे रही और आपको इसलिए वक्त दे रही हूँ ताकि आप धीरे धीरे पलक को एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं अपने बेटे और उसकी नई नवेली दुल्हन को इस तरह बाहर नहीं रखती अपने घर से। डू यू गेट दैट? I'm so happy to see you. What a pleasant morning surprise. तुम्हारे पापा ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। I'm so happy to see you. ठीक हो? डैड आपने वो फोटोग्राफ भेजी थी मेरे को ये प्रूफ करने के लिए कि पलक मुझ पर चीट कर रही है। What? हम सॉरी बट आप गलत थे। वो अपने बॉस को सबक सिखाने गई थी। उस लड़की ने ना तेरे पे जादू टोना कर दिया है, मत मारी गई है तेरी। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हाल है आपके बेटे का। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहा है। आपकी बहू रानी का अफेयर चल रहा है अपने बॉस के साथ। रबिश रबिश, दैट्स व्हाई आई डिडन्ट टेल यू, क्योंकि आप तो मेरी बात पर भरोसा करोगे नहीं। हाँ ये ऋषभ ही है जो मुझे समझता है, और कोई समझता नहीं मुझे। सुनो आप दोनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी और ऋषभ की। आप लोग किसी की बात सुनते नहीं हो, आप लोग दिमाग में लेकर के बैठे हो कि पलक इज अ बैड गर्ल और आपको घूंट तक गलतियां निकले उसकी। बेसिकली ये एक स्टिंग ऑपरेशन था उसके बॉस को पकड़ने के लिए। सेतु साथ गई थी उसके साथ, उसे भी संभालो। वो सती सावित्री सेतु, वो तो बड़ी धूल की धुली हुई है। वो भी तो ढूंढ रही थी एक अमीर दादा शादी करने के लिए। आई डोंट बिलीव यू जस्ट सेड दैट। एज आई डिड मॉम, मैंने कोशिश की जस्ट इन केस पलक आस्क्स। उसी ने फोर्स किया था मुझे आने के लिए। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था, छोड़ के चली जाएगी तुझे। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था, छोड़ के चली जाएगी तुझे। तेरे क्या कर रही हो तुम, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती ऐसे विजय, मैं नहीं रह सकती। कम से कम रिकी के बारे में तो सोचो। मैंने सब सोच लिया है, सब सोच लिया है, मुझे नहीं रहना है बस। मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। सच किसी को भी नहीं पता था आज से इतने साल पहले हुआ क्या था, पर एक दिन पता चल जाएगा।
और उस दिन सब कुछ बदल जाए। ऋत्विक ने अपनी फैमिली को बहुत मिस करा, लोगों को देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। एक डील यार, रिक्की के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? तू चुप रहे, तू है ना पार्टी जहाँ रहेगा ना वहाँ पहुँच ही जाएगा। I'm so sorry यार रिक्की, तेरी शादी के बाद की जो प्रिवेसी है ना वो हम यहाँ पे बैठ बैठ के, अब क्या करें जब हमारे जैसे दोस्त तो ज्यादा देर तो अकेले नहीं रह सकते ना। और ताकि आपकी प्रिय पति को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों ने पॉटलक डिनर किया है। सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आए। मुंह तो क्या, अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था, छोड़ के चली जाएगी तुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, डैड से मिलने गए थे ना? हाँ। नहीं किया उन्होंने बिलीव तुम्हारी बात पे? क्या लगता तुम्हें? कर लेंगे बिलीव, हम ट्राई करेंगे ना, एक दिन मान जाएंगे। स्माइल। तुम जाओ उनके पास, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं जाऊंगी। स्माइल। ये ठीक है यार। क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे थोड़ा सा पास आओ ना, तुम चिपक के जाते हो। दिल्ली की किसी भी लड़की को ये प्रॉब्लम हुई नहीं है मुझसे। अच्छा ओके, मुझे है। चलो अब आओ बाहर जल्दी, बाय। तुम धोखा मत देना मुझे, ठीक है? कभी नहीं तोड़ूंगी, ठीक है? ओह गॉड, मेरी टाइमिंग हमेशा ही गलत होती है। करेक्ट। अरे कुछ नहीं, हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे जो भी कल रात को बॉस के घर हुआ। तुम अभी भी परेशान हो कल को लेके? बट लुक एट द ब्राइटर साइड यार, अगर पलक अपने बॉस के घर पे नहीं जाती तो उसे नहीं पता चलता कि वो कैसा इंसान है। और अगर वो टेढ़ा इंसान होता तो मेरी बीवी को कुछ हो जाता? वाह वाह, इतना प्यार। चलो अभी चले। हाँ चलो खाना खाते हैं। पलक तुम इसे गरम कर दो प्लीज। ओके। और केतु। हाँ? ये देखो यार, सब मिक्स एंड मैच हो गया, नूडल दाल फ्राइड राइस। क्या हुआ है?
सब मिक्स एंड मैच। मैंने तो दाल सब्जी बना दी और मैंने इडली। एक सेकंड, तुम्हें कहा था मैंने कि पलक को बता देना सांबर और चटनी बनाने के लिए, बोला था? भूल गया। लो, भूल गया। अब क्या खाएंगे हम? रोहित, यू डफर, तो मैंने तुझे पूछा कि मैं क्या लेके आऊं, तूने क्या है? चाइनीज आइनीज कुछ भी चलेगा। आई हैव गॉट चाइनीज। अब ये सब्जी वब्जी के साथ चाइनीज खाएंगे क्या? ओके, शांति शांति। देखो देखो, हमारे घर पे तीन होनार लेडीज है। पलक, तुम सब्जी के साथ रोटियां बना लेना, और सेतु, तुम एनी के साथ मिलके ना चटनी बना लो। सांभर बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बनाऊंगी। क्या गलतियां करेगा और हम तेरी गलतियां सुधार रहे हो, और तुम लोग बैठ के मजे करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक्जेक्टली, चटनी मैं बनाऊंगी। कम ऑन यार, खाना तो तुम लोग ही बनाओगे ना? रियली, हम औरतें खाना क्यों बनाएं? यार मैं किचन में नहीं जाने वाला हूँ, वैसे भी मुझे कुछ आता नहीं है खाना बनाना यार। है कि नहीं कम्मा? और गाइस, तुम्हें मैं एक और सीक्रेट बता दूं। रोहित नहीं चाहता कि मैं काम करूं। What? What? Yes. रोहित, unreasonable. I seriously don't believe तू ऐसा क्यों? ऐसा कैसा हो गया तू? हाँ, तू तो फेमिनिस्ट हुआ करता था, लेकिन सही कह रही है यानी, हो गया तू मेल शोविनिस्ट, पिग हो गया तू। करना क्या? अभी भी बता दे, ऐसा क्या करती है सेतु जो तू ये सब करने को भी तैयार है? सेतु, सेतु, like बहुत बोल रहा था ना कि औरतों वाले काम है, लेकिन अब ये काम तो तू खुद कर रहा है। अब एक काम कर, ये औरतों वाला दुपट्टा भी पहन ले। अबे पहनना दुपट्टा। खाना रेडी है क्या? हाँ, बना जल्दी बना। हाँ, मसाले वसाले बराबर रखना। तुम दोनों कुछ तो हेल्प कर देते मेरी। 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, अवार्ड विनर हूँ, थीसिस लिखता था, आज आलू की स्लाइसेस काट रहा हूँ। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। आई मीन, आई एम ओके डूइंग इट, बट शादी के बाद मुझे ये सब नहीं करना है। आई वांट टू गो टू द जिम, आई वांट टू चिल। ये 4 साल में रिटायर होना है, किसी और को करना पड़ेगा मेरा काम। यस बेबी, आई विल डू इट फॉर यू। दुपट्टा, दुपट्टा तू ही पहले। अबे यार, इधर आ दुपट्टे, चल। मैं नहीं कर रहा यार, आलू काट। ये लो गर्मा गर्म मंचूरियन। मैं भी तो यही कह रहा था, तुम ऑफिस जाके क्या करोगे? अमोखा परेशान हो जाती हो, घर बैठ के रिलैक्स करो ना, आराम करो। और ये कवर अप करने की कोशिश मत करो। चावल रेडी है क्या? आप तैयार हैं? बाय द वे, दैट पागल हो गया रिकी, फोटोग्राफ दिखाने के बाद भी वही चीजें कर रहा है। ही इज डूइंग द सेम थिंग। मुझे रिकी की बहुत फिक्र हो रही है ऋषु। I'm really worried about him. अब घबराइए मत डैड, I have something on my mind. कल रिकी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उस कंपनी का नाम है टेलीक्योर। उस कंपनी का जो ओनर है उत्सव वर्मा, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके यहाँ एक सीनियर पोस्ट की वेकेंसी है जिसके लिए रिकी ने अप्लाई किया है। डैड प्लीज इंश्योर कि उसे ये जॉब नहीं मिले। मुझे पता है आपको बहुत खराब लगेगा, लेकिन डैड, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवा की जरूरत पड़ती है, और ये सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। फोटोज देखने के बाद अगर रिकी की अकल ठिकाने नहीं आई तो उसे कड़वी दवा तो पिलानी ही पड़ेगी। आई विल मेक श्योर कि ये जॉब रिकी को ना मिले। यस डैड, एक्चुअली डैड, आई गॉट अ बेटर आइडिया। उसे ये जॉब मिलने दो, उसके बाद उसे ये जॉब से निकलवा दो। इट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट, क्योंकि जिस तरह और जिस वजह से वो अपनी जॉब गवाएगा, तो जो इतना अंधविश्वास करता है ना वो पलक पर, वो सारा अंधविश्वास टूट जाएगा। तो कितना समझदार है ऋषु, हमें उस लड़की से रिकी का पीछा छुड़वाना है, और उसमें तू मेरी मदद करेगा। यस डैड, आई एम श्योर ऐसा ही होगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चीयर्स। चीयर्स डैड। What's happening, ऋषभ? अगर वो लड़की पलक ने रिकी को छोड़ दिया तो रिकी वापस इस घर में आ जाएगा और फिर सारा टेंशन रिकी को मिल जाएगा। What about your plan? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोच लूंगा मैं। लेकिन अब रिकी इस घर में नहीं आ सकता, और मुझे डैड का फेवरेट होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। ये
यार तुम्हारी प्रमोशन हुई है इसलिए करा रही हो ना ये सब। कल तुम बॉस वॉस बन गई तो पता नहीं क्या क्या करवाओगी मुझसे। नहीं यार मुझे सच में जरूरत है, अच्छा कर रहे हो। मुझे फिजियोथेरेपी आती नहीं है वैसे। जो कर रहे हो ना इट्स गुड, कीप डूइंग। करो। ये तुम क्वालिफाइड नहीं हो इसके लिए तो मैं सोच रहा था कि और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ वो करें। नहीं 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 सुनो बात करनी है। क्या मतलब रेडी सेट गो बोलूं? सच बताओगे? सीरियस बात है। अब क्या किया मैंने? थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम पे चीट कर रही हूं? यार इट वोंट बी अ लाइफ ऐसे कि थोड़ी देर के लिए मेरी पूरी दुनिया रुक गई थी। मैंने तुम पे कोई शक नहीं किया, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं किया। बट दैट थॉट, दैट वन मोमेंट, मैं बहुत डर गया था यार। उस थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा डर गया था मैं। मेरी मॉम ने जो मेरे साथ किया, मुझे छोड़ दिया, फिर तुम। मैं वैसी नहीं हूं ऋत्विक। आई डोंट नो तुम्हारी मॉम ने ऐसा कैसे किया। तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए तुम्हें गम दे दिया। ऑनेस्टली अगर वो मेरे सामने आ जाएंगी ना तो आई विल किल हर। प्लीज ऐसी बातें भी मत करो। मैं तो चाहता भी नहीं कि कभी वो मेरे सामने आए। नेवर। खाना नहीं खाओगे तो फिर बिग बॉय कैसे बनोगे, है ना? उस दिन पलक अगर आपके कमरे में एंटर करती तो सब जान जाती है देख के ऋत्विक का बचपन। By the way, what do you think about Palak? वो बिल्कुल मेरे जैसी है। She's exactly like me. और एक दिन मैं उसे वही करवाऊंगी जो मैंने किया था। ऋत्विक नून ने परिवार के खिलाफ जाकर किया प्रेमिका से विवाह। वाह, क्या कर रहा है ये पेपर अभी? अचीवमेंट है यार, रखिए। चीनी एक चम्मच। याद है मुझे। वेरी गुड। तो रेडी है तू इंटरव्यू के लिए? सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? 50 करोड़ का टर्नओवर था मेरा। 1000 करोड़ का था वैसे, बट नहीं यार ये सब तो मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, घर के खर्चे भी निकालना। इवेंचुअली आई एम गोइंग फॉर अ स्टार्टअप, अपना बिजनेस करूँगा। पलक का? पलक कल रात से घर नहीं आए। रोज का हो गया उसका, एक नया बॉस है उसका, उसी के साथ रहती है। अच्छी चीटी कौन? आंटी। आंटी आप? क्या? हाँ मैं, तुम दोनों से मिलने आई थी यहाँ पर माँ। कैसे हो? आप हमसे मिलने आए हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? इसे तुम्हारी कुछ पड़ी ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कल रात मेरी बेटी कहाँ थी? मैं बॉस के साथ। देखा तुमने? इसे तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है। तुम इतनी मेहनत करती हो तो देर भी हो जाती होगी ऑफिस से। इसे लगता है कि तुम इसे चीट कर रही हो। तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्या है ये सब? वो आपको टीज कर रहा है, वो मजाक कर रहा है आपके साथ। बेचारी सब्जी लेने गई थी। आपको मेरे एक्सपीरियंस से तो पता ही होगा कि मैं बहुत ही नॉटी किस्म का बेटा हूँ। और आपने इतना प्यार दिया था पिछले कुछ दिनों में, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा प्यार दूँ। पहली बार आई है ना आप घर। वेलकम। एक बेटा था मेरा जो बिल्कुल तुम्हारे तरह नॉटी था, उसे तो मैं खो चुकी हूँ।
लेकिन इस बेटे को नहीं खोना चाहती। और हाँ एक बात और कह देती हूँ, फिर से परेशान करने की कोशिश की ना तो अंदर करवा दूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा आंटी, आपने तो पलक को नहीं छोड़ा था, मैं क्या चीज हूँ। और तुम्हें भी? नहीं नहीं आंटी, मैं भी जेल की हवा खा चुका हूँ, मैं खुद ही नहीं करने दूंगा इसे। इसकी तो बीवी भी अंदर थी। हाँ चल अभी लेट नहीं हो रहा है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? एक मिनट रुकना बेटा, दही शक्कर है घर में, तुम लोग यहीं रुकना, हम अभी आते। ब्रो तेरी एक्टिंग नाक पार कर जाता। तू पागल है, मैं ऐसे पंगे लूंगा हिटलर से। पलक के डैड से मेरी बात होती रहती है, उन्होंने बताया था कितना मिस करती हूँ पलक को। I just need to light the fire. जब किसी अच्छे काम से बाहर जाते हैं तो कुछ मीठा खा के जाते हैं, ये लो दही शक्कर खाना। Best of luck. अब जाओ देर हो जाएगी, चलो। डांटते क्यों रहते हो यार? All the best. तो आज रिकी तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है? हाँ आज हम कॉफी शॉप में मिलते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मीटिंग्स कॉफी शॉप पर होने लगी है, और वैसे भी उसने कॉलेज टाइम में मेरी बहुत सारी हिट्स चुराई है। वो तो कॉलेज था, अब रिकी प्यार में है। ऋषभ सांची आओ, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। बच्चों आओ नाश्ते के लिए, रीवा फोन छोड़ो। आई। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो, जब रिकी तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आएगा तो ठीक है। लेकिन भाई थोड़ा रिस्की है। हाँ रिस्की तो है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आगे जाके तुम्हें हमारे साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फायदा तुम्हारा ही। तुम्हें तुम्हें रिकी को जॉब देनी ही होगी उत्सव। वो मेरा भाई है। I'll be really grateful. Thanks. ऋषभ तारी, अब जो कुछ भी हुआ है आखिर रिकी मेरा भाई है, मुझसे जो हो सकता मैं उसके लिए करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब चल नीचे आ जा, नाश्ता लग गया है। जी जब लोगों को पता चलेगा कि ऋत्विक नून हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो हमारी कंपनी के शेयर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। मेरी कंपनी थोड़ी छोटी है बट पोजीशन बहुत बड़ी है। कोई कंपनी छोटी नहीं होती, एंड आई नो इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारी कंपनी में आए हो, मिलते हैं ऑफिस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जी माँ। नौकरी तो सर आपको मिल ही गई होगी। जी मिल गई। ये सब आपकी सपोर्ट के बिना नहीं होने वाला। आई लव यू टन्स। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, इतने साल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू।